मंगल सेवा समिति की ओर से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था के समस्त पदाधिकारी और सदस्य और सहयोगियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इससे पूर्व संस्था के वैशाली नगर स्थित कार्यालय पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 55 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। वहीं संस्था की ओर से समस्त सहयोगियों का एक रिकॉर्ड भी तैयार किया गया, जो भविष्य में किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर रक्त उपलब्ध कराएगी। शिविर में शैलेंद्र सक्सेना, मोहन रमैया, चंद्रप्रकाश कंवल, मुकेश शर्मा, मनीष वैश्य, राजेश भार्गव, बीना सक्सेना आदि का सराहनीय सहयोग रहा। मंगल सेवा समिति की तत्वावधान में यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे रक्तदान शिविर का, जिसके अंदर स्वैच्छिक रक्तदाताओं के द्वारा यहाँ पे रक्तदान दिया जा रहा है, जिसके अंदर स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भी हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। ब्लड रक्तदान एक महादान है, जिसको हम लोग अगर करते हैं स्वेच्छा से तो हम लोग जनहित के अंदर अच्छा काम करते हैं। इसी तरह मित्तल अस्पताल में श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में समिति पदाधिकारियों और अन्य शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान कर आपातकाल में पीड़ित मानव की सेवा का संकल्प दोहराया। समिति के पीयूष अग्रवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा 7 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पूर्व समिति द्वारा कई सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुष्कर रोड स्थित मित्तल अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व रात्रि को झरनेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महाश्रृंगार कर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आगामी शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा हर साल जो ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाता है, इस वर्ष भी कराया गया है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम झरनेश्वर मंदिर पे किए जाएंगे। उसके अंतर्गत रविवार को 6 तारीख को जागरण का आयोजन किया गया है रात्रि को, और सोमवार को सुबह 4 बजे आरती होने के बाद में पूरे दिन दूध और जल का अभिषेक चलता रहेगा, और पूरे दिन सारे दिन ठंडाई का वितरण होता रहेगा। ये सारा ब्लड जो है हम यहाँ पे सिक्योर रखते हैं, और जनसेवा में जैसे किसी भी व्यक्ति का आवश्यकता पड़ती है तो समिति तरफ से उसको मुहैया कराया जाता है।